हेलो एवरीवन, हम लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन के बारे में। ओके, तो हम जो भी डाटा ट्रांसमिट करते हैं एक नेटवर्क में डिवाइसेस के बीच, हम उसको दो अलग अलग फॉर्म में ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक है एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन, एक है डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन। अगर हम एनालॉग डाटा को ट्रांसमिट एनालॉग फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट करते हैं उसको बोला जाता है एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन। जैसे कि साउंड हो गया, टाइम हो गया या फिर टेम्परेचर हो गया, ये सब एनालॉग डाटा। और डिजिटल फॉर्म में अगर डाटा ट्रांसमिट करते हैं जैसे कि 0-1 फॉर्म में या फिर डिस्क्रीट वैल्यू फॉर्म में अगर डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो हम उसको डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन फिर दो तरह का होता है, एक सीरियल डाटा ट्रांसमिशन होता है, एक पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन होता है। अगर सीरियल डाटा ट्रांसमिशन हम यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या कर सकता है, एट ए टाइम ओनली 1 बिट ऑफ डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। पर अगर हम पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं तो वो एट ए टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ बिट्स डाटा ट्रांसमिशन कर सकता है। ओके, फिर सीरियल डाटा ट्रांसमिशन को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, फिर वो दो टाइप में डिवाइडेड है, एक है सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन और एक है एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस मतलब क्या, सिंक्रोनस मतलब जिस रेट में या फिर जिस वक्त में सेंडर डाटा को सेंड कर रहा है, रिसीवर अगर उसी वक्त में डाटा को रिसीव कर पाता है तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनस। जैसे कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ एनी क्रिकेट मैच, एनी न्यूज़, एनीथिंग, उसको हम सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। और एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन मतलब जिस रेट में सेंडर डाटा सेंड कर रहा है, रिसीवर अगर उसी रेट में या फिर उसी वक्त में डाटा को रिसीव नहीं कर पा रहा है तो हम उसको एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। जैसे कि सपोज़ एक लाइव मैच चल रहा है, लाइव मैच में जो देख रहा हूँ अपने मोबाइल में, इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से शायद सपोज़ कुछ वक्त का जो लाइव मैच है मैं नहीं देख पा रहा, तो इंटरनेट में इंटरनेट की वजह से जो प्रॉब्लम हुआ हम उसको एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में डाटा लॉस होने का चांसेस है। जैसे कि मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ, मिस हो गया वो टाइम। तो एक लाइव स्ट्रीमिंग जो चल रहा है वो तो सिंक्रोनस है, मतलब जिस वक्त में डाटा सेंड करेगा रिसीवर को उसी वक्त में डाटा रिसीव करना है। अगर इंटरनेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो डाटा लॉस हो गया, तो उसको हम एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। ओके, तो ये टोटल में हम पढ़ चुके हैं, ये बस उसका ओवरव्यू था, एक डायग्राम था उसका। फिर अगले क्लास में हम पढ़ेंगे क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में, जो कि डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे।